नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। देसी आंडे एक ब्रांड है जिसकी आज ओपनिंग हुई है और बहुत खुशी की बात यह है कि ये मेरे घर का ब्रांड है। मेरे बड़े भैया और उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने मिलके खोला है। ये जो ब्रांड है देसी हांडी, इसकी स्पेशलिटी ये है कि नॉर्थ इंडियन खाना तो हम सबको पसंद है, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट भी है फर्स्ट टाइम। और मैंने मेन्यू कार्ड पढ़ा है, आई लव द मेन्यू कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबके लिए कुछ ना कुछ है, जिनको लाइट खाना है उनके लिए लाइट पसंद है, जिनको डाइट खाना है उनके लिए डाइट वाला है, जिनको स्पाइसी खाना है उनके लिए स्पाइसी वाला है, और जिनको इनोवेटिव खाना है उनके लिए इनोवेटिव खाना है। और स्पेशलिटी ये है कि जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं कि जो दाल मखनी है वो हांडी में बनाई जाती है, तो यहाँ भी आपको जो दाल मखनी है वो हांडी में बनाई जाएगी और आपको हांडी में ही सर्व की जाएगी। और बैम्बू राइस है, वो भी सेम है कि बैम्बू राइस उसमें बनाए जाएंगे बैम्बू में और आपको उसी तरह से सर्व किया जाएगा। तो ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बड़े भैया जो हैं प्रिंस गुप्ता, वो इस आइडिया के साथ आ रहे हैं और पब्लिक को बहुत पसंद आने वाला है। और मेरे जितने भी एक्टर्स फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे लोग हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी हैं, सबको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आइए और विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहेंगे? घर का तो मैं ब्रांड एम्बेसडर, फ्री ब्रांड एम्बेसडर मिल रही है लोगों को, देखो। यस, मैं अपनी इस देसी हांडी के ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ एक किस्म के, और आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत खुशी होती है जब घर के लोग जो हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से इतना अच्छा, हमें पता है कि बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पे इस तरह का रेस्टोरेंट खोलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उन्होंने खोला और सबसे अच्छा आइडिया ये लगा कि उन्होंने सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए जितने भी, क्योंकि बॉम्बे एक मल्टीनेशनल सिटी है और यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, सबके टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस ब्रांड की ओपनिंग की गई है कि सब चीज़ है, आपका जो फ्लेवर है आप जो खाते हो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, सबसे अच्छी बात ये है। तो इसमें और कौन कौन है प्रमोशन में, बताना चाहेंगे आपके साथ? प्रमोशन में तो मैं हूँ, करण है, और जिनका है, जिन्होंने मतलब भैया तो वही हैं, और तनु है, सब हैं। प्रमोशन तो सब करेंगे ही क्योंकि घर की चीज़ है। और मेरा स्पेशल थैंक्स है दारिया सर को कि उन्होंने आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन आपके आइडिया को जो एक बैकबोन चाहिए होती है वो बहुत कम लोग होते हैं, तो मेरा उनको थैंक यू है कि उन्होंने समझा इनकी क्रिएटिविटी को और इनको हेल्प किया और फाइनेंस किया ये चीज़ खड़ी करने के लिए। तो थैंक यू उनको सबसे पहले, और
आई एम वेरी हैप्पी और मैं भगवान जी से निवेदन करूँगी कि ये दिन दूगी रात चौगुनी तरक्की करे ये रेस्टोरेंट और देसी हांडी ना कि अंधेरी वेस्ट में बल्कि पूरे इंडिया में इसके ब्रांचेस खुलें और लोग पसंद करें इसे। प्राइस डेफिनेटली बहुत कम है क्योंकि जब प्राइस लिस्ट बन रही थी तो घर पर बन रही थी, बैठ के मेन्यू कार्ड डिसाइड हो रहा था, उनके चीज़ों के सामने चीज़ें लिखी जा रही थी, तो मैंने कहा ना कि आम जनता भी खा सकती है और इसको बड़ा आदमी भी खा सकता है क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो बड़ों की लेवल की दी गई है और जो उसका प्राइस है वो आम जनता को मद्देनजर रखते रखा हुआ है। ये नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप इसको खा सकते हो और आप अगर मिडिल क्लास हैं या बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप नहीं खा सकते, ऐसा यहाँ नहीं है। प्राइस को जो मद्देनजर ये रखा है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो हमारे लेबर क्लास है, वो भी अट्रैक्ट हो। ये जगह वैसी बनाई गई है, दैट डजंट मीन कि वो नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं, उनकी पॉकेट में है बजट। अब अगर आप मेन्यू कार्ड देखेंगे तो बहुत रीजनेबल चीज़ें हैं और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अच्छी और क्रिएटिव चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा आपने कुछ भी मंगाया तो वो नहीं, आप अगर कोई ऐसी डिश भी है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे बाहर बजट से बाहर है, आप वो भी खा सकते हैं यहाँ पर। हम खाते हैं बाहर का रेस्टोरेंट हर जगह जाके, पर हम टेस्ट बिल्कुल हमने घर का टेस्ट लेके आए हैं कि हम चाहते हैं कि जो लोग डिफरेंट खाएं। बहुत सारे रेस्टोरेंट के मसाला वगैरह हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना रहे हैं और कुकिंग भी हमारा हांडी पे हो रहा है और बिल्कुल हम जो गांव के जो पुराने ज़माने के जो है वो चीज़ लेके आए हुए हैं। जो गांव का इंडियन ट्रेडिशनल फूड रहता है हांडी वगैरह में, वैसा अपन एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हांडी फूड एक स्टार्ट किया जाए। बैम्बू राइस है हमारे, ब्लैक राइस है, बेसिकली ब्लैक राइस इंडिया में मिलते नहीं है, ये स्पेशली एक्सपोर्ट किए जाते हैं श्रीलंका से। रेड राइस है वो हांगकॉन्ग से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उस किस्म का हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लैक राइस का, रेड राइस का, बैम्बू राइस का। बैम्बू स्टीम राइस होता है पर बैम्बू बर्न राइस नहीं है, तो एक 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 अलग इनोवेटिव चीज़ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर ये आइडियाज़ कैसे आए कि इस तरीके से फूड और इस तरह रेस्टोरेंट खोला जाए? ये आइडियाज़ बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इंसान अपना घर छोड़ के या गांव छोड़ के मुंबई में आता है वो घर का खाना बड़ा याद करता है, ये सबसे बड़ी समस्या है, उसको हमेशा घर का खाना याद आता है। हमने यही कोशिश की कि घर का खाना ही लगे कि हम अपने घर बैठे हैं घर का खाना खा रहे हैं, वो हमारा मेन टारगेट है। यार बड़ी खुशी हुई देसी हांडी खुला है यहाँ पे। हम डाइटिशियन और जो बॉडी शॉडी बनाते हैं ना, जिम जिम करते हैं, उन लोग के लिए ना डाइट का खाना मिलना, रात को स्पेशली होम डिलीवरी होना, जिस हिसाब से हमें चाहिए, जो कम कैलोरीज हो, अच्छी एनर्जी हो और बहुत सारा प्रोटीन हो, वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ खुली है, मेरे दोस्त लोग बड़े एक्साइटेड है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि देसी हांडी बीच अंधेरी वेस्ट में खुला हुआ है, जिसका बहुत सारा फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होगा। आज इसकी शुरुआत हुई है, मैं तो बस साईं बाबा से दुआ करना चाहूँगा कि भगवान करे देसी हंडी की और भी ब्रांचेस बॉम्बे में खुले, एक अंधेरी वेस्ट में हो तो एक अंधेरी ईस्ट में हो, मलाड में हो, हर जगह हो। प्रिंस भैया ने बड़े होप से, बहुत ही खुशी से, बहुत मेहनत करके, इसको बहुत मेहनत लगी है इस छोटी सी चीज़ को इतना अच्छा बनाने में, एक सपना लेके उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। तो मेरी तो दुआ है कि देसी हंडी की और भी ब्रांचेस खुले और ऑल द वेरी बेस्ट भैया। पहले सभी को बधाई देंगे और मुंबई वासियों को देसी हंडी, जो देसी स्वाद मिलेगा यहाँ पे, उस चीज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर देने चाहते हैं पब्लिक को, क्योंकि मुंबई के पब्लिक जो है उनको अभी बहुत सारे स्वाद का माने नॉलेज में लाना है। तो देसी हंडी इसीलिए खोला गया है कि देसी हर चीज़ यहाँ मिलेगा और प्रॉपर तरीके से उसमें देसी ही तड़का मारा जाएगा, देसी टाइप के खाने बनाए जाएंगे और सभी को उस चीज़ का एहसास कुछ दिनों में हो जाएगा। हंडी जो है आई थिंक यहाँ पे जो पास में जितनी भी रेस्टोरेंट हैं ये सबको बीट करने वाली है, क्योंकि यहाँ की स्वाद और जो रेसिपी और जो मेन्यू है वो बहुत ही अलग है। और जब आप मेन्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो मेन्यू में अवेलेबल है वो आसपास कहीं नहीं मिलता है। और जो ये रेस्टोरेंट है ये मेरी फ्रेंड मेरी कज़न सिस्टर का है, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ ओपनिंग टुडे अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। आज बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, मैं प्रवक्ता हूँ, स्पोकमैन हूँ और मीडिया से भी हूँ। मैं चाहूँगी कि देसी हंडी जो ये इस बच्ची तनों ने खोला है ये बहुत अच्छा एक आदर्श है हमारे समाज के लिए। आज लड़कियों को हम बिल्कुल भी बोझ नहीं समझते हैं, काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, परिवर्तन की दिशा में समाज चल रहा है, हमारे मूल्य संस्कारों को साथ लेते हुए लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हर घर की बेटी इस देसी अंडी की तरह जो ये तन्नू जी कर रही हैं उसको फॉलो करें, अनुकरणीय काम है। और इस तरह के अनुकरणीय काम से हमारे देश में एक विकास की लहर जो बह रही है उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत सारी बधाइयाँ बच्ची को।